चूंकि पूरे देश में छात्र आंदोलन अपने चरम पे है और अगर हम लोग देखें तो छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता है प्रतिरोध करना, और इस समय प्रतिरोध अपने चरम पे है छात्रों का, तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि इस तरीके के कार्यक्रम हों। ये पहले से होता चला आया है लेकिन अभी इसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बनती है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में जो छात्रों की आवाज़ है उसको अलग अलग कैंपसेस में दबाने का प्रयास किया जा रहा है, या जो छात्र सवाल पूछ रहे हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है अलग अलग तरीके से, तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है इस सवाल पर बातचीत करना। ये कहने में हम सबको कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अगर आप राइट के साथ नहीं खड़े हैं तो इसका मतलब आप रॉन्ग हैं या फिर आप एंटी नेशनलिस्ट हैं। तो एक विशेष तरीके की पूरी विचारधारा थोपने की हर कैंपस में कोशिश की जा रही है, और इसीलिए आप देखें ना कि कोई एक कैंपस नहीं है, वो पूरा IIT चेन्नई से शुरू होता और अभी कश्मीर तक पहुँच गया है। तो क्या कारण है, इस पर बातचीत करने की बहुत ज़रूरत है। और एक बात और छात्रों को समझ में आ रही है, अभी कुछ दिन पहले इस बात को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन भी था कि ये कुछ विशेष कैंपसेस की बात है, JNU की और हैदराबाद की बात है, लेकिन हम लोग ने देखा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी उसी तरीके की समस्या आ रही है, AMU में आ रही है, हैदराबाद में आई, तो तमाम जगहों पे आ रही है। और स्टूडेंट को भी समझ में आ रहा है कि अब एक एक करके हम सब की बारी आने वाली है कि हमारी जो लोकतांत्रिक स्पेस थी, सवाल जवाब करने की जगह थी, आप देखिए ना कि किस तरीके से, मैं आपको बताऊं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सारे प्रोग्राम्स को बैन कर दिया है, वहाँ पे प्रोटेस्ट को बैन कर दिया है। तो ये क्या है, आप किस बात से डर रहे हैं? अगर छात्र आपसे सवाल ही तो करेंगे, वो अपने जवाब ही तो मांगेंगे, तो किस बात का डर है कि ये बैन लगा दिया जा रहा है? तो ये खतरनाक है, और इसको मैं ये मानती हूँ कि युवा जो है और छात्र जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है वो इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है और इसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देगा। ये वो सरकार थी जिसको लोग कहते हैं कि सबसे ज़्यादा युवा ही चुनकर लेकर आए, लेकिन आप देखिए कि इस समय सबसे ज़्यादा युवाओं में ही उथल पुथल मची हुई है। तो प्रधानमंत्री जी को और देश की सरकार को सोचना चाहिए, और उनको निकल कर आकर, या तो अगर युवाओं के मन में अगर कुछ गलतफहमी है तो उसको ऊपर आके उनको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी एक विशेष पार्टी के या फिर किसी एक विशेष छात्र संगठन के नहीं हैं। और क्यों हम लोग को ये दोहरापन देखने को मिल रहा है कि ABVP के छात्रों को पूरे देश में अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, वो वॉयलेंट हैं, वो उग्र हो रहे हैं, उसके बावजूद उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं है, लेकिन जो सामान्य छात्र हैं या छात्र संगठन हैं जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, उनको निशाने पर लेकर उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको कैंपसेस से एक्सपेल करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है और सरकार को ध्यान देना होगा, वरना युवा बहुत वोकल है, वो जितनी तेज़ी से सरकार को ला सकता है। किसी ने सही कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतज़ार नहीं किया करती हैं, तो हो सकता है कि आने वाली सरकार के लिए खतरा भी पैदा हो जाए।